आज सोमवार है, तारीख 18 अप्रैल, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आइए बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिन भर पुलिस की गाड़ियां हिंसा वाले इलाकों में दौड़ती रहीं। हर गली और कॉलोनी के गेट पर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहे। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रख रही है। इस बीच फायरिंग का भी एक वीडियो सामने आया। अब तक इस मामले में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली मीटिंग में 5% के टैक्स स्लैब को कम कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट को 3% और बाकी को 8% के नए स्लैब में रखा जा सकता है। केंद्र सरकार ऐसा करके राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। कुछ छूट वाले प्रोडक्ट भी टैक्स के दायरे में लाए जा सकते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग फिर परमाणु हमले की ओर बढ़ रही है। अमेरिका को शक है कि जीत हासिल करने के लिए रूस टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि दुनिया को परमाणु हमले के बाद की स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान के रॉकेट हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने सीमा से सटे 4 गांवों पर बमबारी की। तालिबान ने दोबारा ऐसा होने पर बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी है। गुजरात ने जबरदस्त मुकाबले में चेन्नई को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात के सामने 171 रनों का टारगेट था। एक वक्त चेन्नई मुकाबला जीत रही थी, लेकिन मिलर ने 94 और कप्तानी कर रहे राशिद खान ने 40 रन बनाकर पूरी कहानी पलट दी। इससे पहले हुए मैच में हैदराबाद ने पंजाब को 7 विकेट से हराया।